जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मेरा जो ब्लॉग है वो है राधा रानी की परिक्रमा का, यानी कि बरसाने की परिक्रमा लगाने हम लोग जा रहे हैं। और मैं जो ये दिखा रही हूँ आपको, ये हम लोगों ने इधर से स्टार्टिंग कर दी है परिक्रमा लगाने की। और सामने जो मैंने आपको दिखाया था वो राधा रानी का भवन था। और ये देखिए, ये है यहाँ का, ये है सांकरी खोर, ये वही जगह है जो मैंने छोटी परिक्रमा में आप लोगों को दिखाई थी। तो हम लोग इसके नीचे होके निकल के गए थे, पत्थरों की साइड साइड से होकर के निकल के गए थे, जो कि ये वो वही जगह है जो कृष्ण भगवान आज भी इधर आते हैं। और बताया जाता है कि माखन की मटकियाँ आज भी फोड़ी जाती है। पहले हम लोग गए थे नीचे होकर के, और इस बार हम जाएंगे खोर सांकरी से होते हुए, आश्रम से होते हुए ऊपर होके। और इस बार हम लोग खोर सांकरी के नीचे होके नहीं जाएंगे, ऊपर की साइड से हम लोग जाएंगे आश्रम से होकर के। और देखिए, ये फैमिली मेरी मस्ती कर रही है क्योंकि सभी ने गाने भजन चला रखे थे परिक्रमा में, और डांस करते हुए सभी जा रहे थे। और इस बड़ी परिक्रमा में मैं आप लोगों को काफ़ी सारे मंदिर भी दिखाऊंगी, और कृष्ण जी ने क्या क्या लीलाएं रची थी वो भी मैं दिखाऊंगी। जो जो मंदिर हैं इधर वो भी मैं आपको दिखाते हुए ले चलूंगी। और आप देख सकते हो ये नज़ारा कि ये पूरा पहाड़ है, पूरा पर्वत है जिसपे बरसाना मंदिर है और राधा रानी का। और ये देखिए मेरी फैमिली है, और मेरे दोनों चुन्नू मुन्नू कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। सेम सेम ड्रेसेस दोनों ने पहन रखी है, और जब भी ये कहीं जाते हैं सेम ड्रेसेस में ही जाते हैं, और बड़े ही प्यारे लगते हैं दोनों। और परिक्रमा में हम लोग जब भी जाते हैं तो ये दोनों हम लोगों के साथ ही रहते हैं। और ये देखिए कितना घना जंगल है ये। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बरसाने की जो परिक्रमा लगाई जाती है, एक छोटी परिक्रमा जो कि सभी मंदिरों को छोड़ करके आप लगा सकते हो, और एक है बड़ी परिक्रमा जो कि सभी मंदिरों में जाके दर्शन करते हुए आप लगा सकते हो। और इस परिक्रमा के छोटी वाली परिक्रमा नीचे से होकर लगाते हैं, और बड़ी वाली परिक्रमा ऊपर से होकर लगाते हैं खोर साकरी से होकर के। तो आप लोगों को ये सारी जानकारी मैं दे देती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि कई बार हो जाती है मिस्टेक और कई बार जगह मिलती भी नहीं है। और ये देखिए, ये है आश्रम, और इधर से भी दो रास्ते हैं। अगर आप मंदिर के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहते हो तो आप दूसरी साइड से नीचे निकल भी सकते हो इधर से, क्योंकि ये भी रास्ता है नीचे जाने का, नीचे छोटी वाली परिक्रमा के लिए। और हम लोग जा रहे हैं बड़ी परिक्रमा लगाने के लिए, तो इसलिए हम ऊपर ही होके निकलेंगे। और बरसाने में जितना भी ये पहाड़ है, जितनी भी जगह है, इतनी शांति थी ना इधर, बहुत अच्छा लग रहा था। आराम आराम से हम लोगों ने परिक्रमा लगाई थी। वैसे तो ढाई घंटे में, डेढ़ से दो घंटे में परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने ढाई घंटा आराम से लगा दिया था, धीरे धीरे आराम से अपना देते हुए। वातावरण इतना अच्छा लग रहा था, ना तो ठंडी का मौसम है ना गर्मी का मौसम है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। परिक्रमा लगाने में भी बहुत आनंद आ रहे थे। और आप सभी लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, आज के दिन मेरा बाबू जो है 5 महीने का कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बरसाने चले परिक्रमा लगाने के लिए, और वो भी हमारे साथ में चलेगा परिक्रमा लगाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं जब भी ये सोचती हूँ, वो जिस महीने का होता जाएगा कम्प्लीटली, कोशिश मेरी यही रहेगी मैं कहीं ना कहीं उसको या तीर्थ यात्रा पर ही उसके साथ जाऊं और कहीं घूम कर आऊं। और ये देखिए, हम लोग पहुंचने वाले हैं मोरकुटी, जो कि श्री कृष्ण भगवान इधर राधा जी के लिए मोर बने थे। तो मैं आप लोगों को उधर लेके चलती हूं। देखिए काफ़ी सीढ़ियां हैं और बहुत सारे बंदर थे इधर। हम लोग पहुंच चुके हैं मोरकुटी, और आप लोग दर्शन कर लीजिए राधा रानी और प्रभु जी के। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को जो भी है बाहर से दिखा दिया था। और काफ़ी सुंदर ऐसे ही उनकी लीलाओं के सारे चित्र बने हुए हैं दीवारों पे, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो ये बताया जाता है इस जगह पे श्री कृष्ण भगवान जी ने नृत्य किया था मोरों के साथ में, तो बहुत ही अच्छा दृश्य रहा होगा वो। और ऐसे ही लीलाओं से भरा हुआ है ये पूरा बरसाना। तो धीरे धीरे मैं सभी आपको इसी तरीके से मंदिरों में दिखाती रहूँगी, घुमाती रहूँगी परिक्रमा मार्ग में जो भी पड़ेंगे। और हमारी फैमिली है और हम लोग चल दिए दूसरे साइड में, तो अभी परिक्रमा में बहुत सारे मंदिर पड़ेंगे। तो आप लोगों को इसी तरीके से दर्शन कराते हुए, उनकी लीलाओं के बारे में बताते हुए मैं आपको लेके चलती हूँ। और देखिए, ये था गाँव एक साइड में, जो कि घर भी बने हुए थे इधर उधर काफ़ी, और लोग रह भी रहे थे, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ हम जा रहे हैं मानगढ़, तो ये मंदिर है मानगढ़, और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं इसकी, तो मान मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं 400 सीढ़ियाँ बताई जाती हैं। तो काफ़ी ऊंचाई पे है ये मंदिर। बताया ये जाता है कि जब राधा रानी रूठ गई थी कृष्ण भगवान जी से, तो वो मोर बने थे, जो कि मैंने आपको मोरकुटी दिखाई थी। उसके बाद उनका ये मान मंदिर इधर बना है। तो जो मान मंदिर में ठाकुर जी हैं, वो उनका नाम है मान बिहारी जी। और यहाँ के बंदर तो आप देख ही रहे हो, बहुत ही शरारती बंदर हैं, नटखट बंदर हैं। हाँ, पर ये है कि यहाँ के जो बंदर हैं वो पानी वगैरह खाने पीने का सामान तो आप लोगों से मांगते हैं, आप ज़रूर ले जाना कुछ ना कुछ इनके खाने के लिए, इनको दाना डालने के लिए।
और पर हाँ ये वैसे परेशान नहीं करते जैसे वृंदावन के हमारे बंदर करते हैं ना, जैसे चश्मे ले जाना, परेशान करना, तंग करना। तो जो राधा रानी जी के यहाँ के बंदर हैं वो आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी केयरफुली रहना, बंदर तो बंदर ही हैं। और बहुत अच्छा भी लग रहा था, चारों तरफ बहुत ही शांत वातावरण, और देख कर भी बड़ा, हर जगह हर पत्थर पर श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखा हुआ था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और बाबू उनकी गोदी में आराम से मस्ती लेते हुए, और पता है घर जाके ऐसे सो जाएगा, ये ऐसा लगेगा जैसे यही चल के आया हो ऐसे, मतलब कपड़े वपड़े निकाल के सारे, फिर ऐसे फ्री होके सोएगा, कहेगा जैसे मैं ही चल के आया हूँ, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ये है दूसरा रास्ता जिससे कि हम लौट के आएंगे, तो फिर हम ऊपर से ही निकलेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे सीढ़ियों के रास्ते, हम सीधा ऊपर से ही निकल जाएंगे। और हम पहुँच चुके हैं मान मंदिर मान बिहारी जी से मिलने के लिए, तो आप लोग भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मेरी जो परिक्रमा जो हम लोग लगा रहे हैं बरसाने की, तो आप लोग कभी भी अधूरा मत छोड़ना, जो भी परिक्रमा आप वीडियो में स्टार्ट करो तो लास्ट तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि कभी भी परिक्रमा जब उठाते हैं तो कभी भी बीच में नहीं छोड़ी जाती है। और ये देखिए ये कंटी हैं ऊपर, क्योंकि इनको बाबू बहुत अच्छा लगा था, तो इन्होंने बोला प्लीज़ मुझे भी दे दो खिलाने के लिए, तो काफ़ी देर इन्होंने बाबू को खिलाया था, और बोल रहे थे बड़े प्यारे हैं, बड़े क्यूट हैं, गोलू मोलू से बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके कान्हा जी। और ये देखिए मंदिर हो चुका था तब तक पट बंद, और हम आपको बाहर ही दर्शन करा देते हैं मान बिहारी जी के, आप दर्शन कर लीजिए राधा रानी के। और इधर काम भी चल रहा है, मंदिर भी बन रहा है उनका, तो सामने जो शीशा लगा हुआ है उसके अंदर मान बिहारी जी हैं। और ये देखिए मानगढ़, विशालगढ़, दानगढ़ और भानगढ़। और ये आ गए हम मंदिर से बाहर, साइड में आप देख सकते हो कि कितनी सारी खेती हो रखी है। और ये पहाड़ी है जो कि राधा रानी का बरसाना मंदिर जो कि इसी पहाड़ी के ऊपर है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बरसाना मंदिर। और देख सकते हो हमारी प्रियजू का स्थान और महल उनका, और हम लोग जा रहे हैं वहीं तक, और सामने आपको दिखाई दे रही होगी मोरकुटी, वहाँ से हम घूमते हुए नीचे की साइड में, फिर हम मानगढ़ मंदिर में होते हुए अब हम जाएंगे दानगढ़, आपको दर्शन कराते हुए सभी मंदिरों को ऐसे ही हम लोग निकलेंगे। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी राधा जी का महल, बरसाना मंदिर, और ये देखिए मेरे हस्बैंड, दीदी और दोनों बाबू और जीजू मस्ती करते हुए, भजन चल रहे हैं, और ये तीनों लोग डांस कर रहे हैं, तीनों क्यों पांचों ही डांस कर रहे हैं, दोनों बाबू भी तो हैं मेरे साथ में, वो तो खुश होना ही होना है उनको, तो दोनों आए जो हैं राधा रानी जी से मिलने के लिए। तो ये देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है आपको वो मोरकुटी है, और मोरकुटी से नीचे होते हुए उतरते हुए फिर हम दोबारा से ऊपर चढ़े मानगढ़ के मंदिर के लिए, और अब हम जा रहे हैं दानगढ़ के लिए। आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में जो जगह है ये पूरी पूरा पर्वत है ये, और थोड़ा सा बीच में जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, तो पहले हमने इधर ही होके नीचे हो करके परिक्रमा दी थी, अब हम ऊपर होके परिक्रमा दे रहे हैं, बड़ी वाली जो है, छोटी वाली हमने नीचे होके दी थी। और ये देखो मेरे हस्बैंड बाबू को लेके जा रहे थे, और इनको बाबू को देख के बहुत प्यारा है, इन्होंने बाबू को गोदी लिया, बहुत सारी किस्सियाँ की उसको, और बहुत लाड़ लड़ाया उनको, और सभी बोलने लगे जो भी लोग थे इनकी फैमिली जो साथ में थी, बोलने लगे कि ये राधा रानी से मिलने आए हैं, अपनी प्रियजू से मिलने आए हैं देखो। और दोनों को बड़ा लाड़ लड़ाया सभी लोगों ने, फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए अपनी परिक्रमा कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग भी बने रहो, और कभी भी परिक्रमा जिस भी वीडियो को आप देखो, जो भी परिक्रमा आप स्टार्ट करो, तो कभी भी अधूरी मत छोड़ना, क्योंकि परिक्रमा फिर आपकी अधूरी मानी जाती है। तो आप भी मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहना और मेरे साथ परिक्रमा लगाते रहें। ये है तोता कुटीर झूला, तो ये झूला है, यहाँ पर बहुत सारे तोते रहते हैं, बताया जाता है कि राधा रानी आती थी इधर तोतों को दाना डालने के लिए, तो बहुत सारे तोता हैं इधर, क्योंकि अब आज भी बताया जाता है बहुत सारे तोते रहते हैं, और आप लोग देख भी सकते हो झूला झूलने के लिए बहुत सारे तोते आते हैं इधर, और इधर रहते भी हैं बहुत सारे। और ये जो आप झूला देख रहे हो, तो ये वो झूला है राधा रानी और उनकी सखियाँ, श्री कृष्ण भगवान ने उनको झुलाया था, तो ये वही झूला है जो कि राधा रानी श्री कृष्ण भगवान जी से झूली थी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर काफ़ी बड़ा ये चौतरा जो दिखाई दे रहा है, तो इस पर राधा रानी ने चूड़ियाँ पहनी थी श्री कृष्ण भगवान से, जो कि आप जानते हुए होंगे, आपने सुना भी होगा, जो कृष्ण भगवान जी मनिहार का रूप लेकर के और उसके बाद में राधा रानी जी को चूड़ियाँ बेचने के लिए आए थे, तो ये वही स्थान है, वही जगह है, इस जगह का नाम दानगढ़ है। और ये देखिए उसी जगह पर जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी ने राधा रानी जी को चूड़ियाँ पहनाई थी, तो ये वही स्थान है। और ये देखिए मेरे दोनों लड्डू गोपाल कितनी मस्ती कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर हो गई हमारी परिक्रमा समाप्त, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर ऑन करना।